कानपुर के बिलोहर तहसील इलाके में प्रतिबंधित पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिलोहर तहसील के अंतर्गत आने वाले देवाहा और चमनगंज गांव में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पेड़ों को काटा जा रहा है। पता चला है कि ये काम वन विभाग के एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर की शह पर किया गया है, जिसमें प्रतिबंधित लकड़ी, आम, नीम, शीशम के वृक्षों को काटा गया है। वहीं पेड़ काटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामले में उप प्रभागीय अधिकारी का कहना है कि उनके संज्ञान में ये घटना आई है और पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बिल्डोर के बछा गांव में जो है शकील नाम का युवक पेड़ की कटाई कर रहा था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहाँ पर सोशल मीडिया पर जो पहुंचे हैं तो वो भागते हुए नजर आया है। क्या पूरा मामला आपके संज्ञान में और उस पर क्या कार्रवाई करी जा रही है? हाँ, अभी मेरे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से आई है खबर कि बछना में कुछ पेड़ों का कटान हुआ है और उसके लिए हमने संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को मेरे संज्ञान में आने पर मैंने उनको बोल दिया है कि आप तत्काल वहां पर टीम भेज करके जो है उसको दिखवाइए और अगर ये घटना सत्य पाई जाती है तो संबंधित सुसंगत धाराओं में उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। जो है सर, इससे पहले भी वही एक बार जो नाम आ रहा है कि जो शकील नाम का युवक है पहले भी जेल जा चुका है, तो क्या ऐसे मामले में क्या सख्त कार्रवाई आपकी तरफ से होती है? मतलब जैसे लोग पाए जाते हैं उनको क्या कार्रवाई करी जाती है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो है वृक्ष के कटान के लिए जो है जो प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्ष हैं उनके लिए अनुज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन। अगर वो परमिशन नहीं ली होती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करते हैं और जो भी वो उसके शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं जो है जिसके मुताबिक उस पर जुर्माना है वही लेकर के हम लोग करते हैं। अगर जुर्माना जमा नहीं करता है तो फिर हम लोग चार्जशीट बनाकर कोर्ट पर। आपको बता दें कि वन विभाग के नियम के अनुसार प्रतिबंधित हरे वृक्ष को काटा नहीं जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में विभाग की अनुमति जरूरी है, जिसके बाद ही ऐसे पेड़ों को काटा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।